एकदम से मैं देश के सामने भी बात बताना चाहता हूं कि ईवीएम सबसे पहले 1977 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई और तब तो हम राजनीति में कहीं नजर नहीं आते थे, हम तो बहुत दूर बैठे थे जी। 77 में चर्चा शुरू हुई, 1982 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया, 1988 में हम नहीं थे इसी सदन में बैठे हुए, उस समय के महानुभावों ने कानूनन इस व्यवस्था को स्वीकृति दी, कानून बनाया। इतना ही नहीं, 1992 में कांग्रेस के ही नेतृत्व में इस ईवीएम को लेकर के सारे रूल्स बनाए गए। यानी एक प्रकार से जो कहते हैं हमने किया हमने किया हमने किया, तो ये भी तो आप ही ने किया, आप हार गए इसलिए रो रहे हो, ये क्या तरीका है? और इसलिए मैं समझता हूं और ईवीएम से इस देश में अब तक विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, स्टेट असेंबलीज के 113 चुनाव हुए हैं ईवीएम मशीन से, और यहां उपस्थित करीब करीब सभी दलों को उसी ईवीएम से चुनाव जीत करके सत्ता में आने का या सत्ता में भागीदार होने का अवसर मिला है। 113 असेंबली के चुनाव हुए हैं, 4 लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी दल बदले हैं, अलग अलग लोग जीत करके आए हैं, और आज पराजय के लिए हम इस प्रकार की बातें करते हैं। 2001 के बाद विभिन्न हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर के मसले उठाए गए हैं। सारे परीक्षण के बाद ईवीएम पर सारी चीजों में सभी देश के न्यायपालिकाओं ने पॉजिटिव अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 2017 में जब इतना बड़ा हो हल्ला हुआ, क्योंकि तो पराजित लोगों की इकोसिस्टम अभी काम कर रही है, चारों तरफ हल्ला खड़ा हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ने चैलेंज रूप में कहा कि मैं ये रखता हूं, आप आइए, गलत है तो हमें सिद्ध करके दिखाइए। जो लोग आज ईवीएम के गीत गा रहे हैं, रोना रो रहे हैं, एक भी दल वहां गया नहीं, 2 पार्टियां गई, एनसीपी एंड सीपीआई, लेकिन उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कहा जरा हमें समझाइए हाउ ईवीएम ऑपरेट्स, सिर्फ समझने का प्रयास किया, लेकिन कम से कम एनसीपी और सीपीआई के लोग गए, बाकी लोग तो इलेक्शन कमीशन के निमंत्रण के बाद भी गए नहीं जिस पर वो शक कर रहे थे। और ये अपप्रचार और ये प्रकार की एक निश्चित प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, तो उस हवा में हमारे लोग भी आ गए, कभी हम भी मानने लग गए थे कि ईवीएम से कोई गड़बड़ है, हमारी पार्टी में से भी आवाज उठी थी, लेकिन हमने ईमानदारी से उसके सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी किया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया, और हमने खुद ने भी ईवीएम के विषय में शक किया था, जब सारी चीजें समझे तो हमारी पार्टी में भी उस विचार को मानने वालों को समझाया गया कि गलत रास्ता है आपका, और हमने सही रास्ते पर चले, टेक्नोलॉजी है समझनी चाहिए, समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए।